हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर एफ वाई बी कॉम सो एफ वाई बी कॉम के बारे में आज हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये सीखेंगे कि एफ वाई बी कॉम के कितने सब्जेक्ट्स हैं एफ आई बी कॉम जो आप अभी एफ आई बी कॉम में एडमिशन आपने लिया है तो उसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट अबाउट ओवरऑल थ्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विच विल बी कॉल्ड bachelor in commerce and uh, that is called as bcom so basically uh, your three years bachelor's degree is divided into uh, semesters so first year we are having two semester second year also we are having two semester and third year also we are having two semester so if you see the uh, semester pattern uh, every year we are having two two semesters that means total three years may have total six semesters ko तो एफ आई बी कॉम के सेमिस्टर वन के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एफ आई बी कॉम का सेमिस्टर वन जो है उसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और एक नया सा आपके लिए कंसेप्ट जो बेसिकली आपने कभी सुना नहीं होगा एंड दैट इज कॉल्ड एस एटी के टी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ओवरऑल आपको एक रूल्स बताता हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस आज के सेशन में करेंगे तो ये जो चैनल है दिस चैनल इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस तो एग्जाम से पहले आपको क्या पढ़ना है ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल नोटिफिकेशन को दबाइए बिकॉज़ आने वाले दो साल में तीन साल में आपको ये चैनल के बेसिस पे काफी लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे तो लेट अस कम बैक एफ आई बी कॉम में सेमेस्टर वन जो है उसमें काफी सारे न्यू सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं जो आपने इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े होंगे एंड दैट सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट और उसके में उस सब्जेक्ट्स में क्या क्या है वो भी मैं एक ओवरऑल व्यू आपको देने का ट्राई करता हूँ तो टोटल तो आपको एफ आई बी कॉम के सेमेस्टर वन में सेवन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं एंड दैट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर सबसे पहला जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स जो इलेवेंथ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आप उसको बीके कहते थे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी उसको अभी हम अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट के बेसिस पे जानेंगे एंड दिस इयर विल बी हैविंग अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज सब्जेक्ट नंबर वन एंड दिस सब्जेक्ट इज अ प्रैक्टिकल subject. अकाउंट्स है तो आपको कैसे पता है अकाउंट्स कैसे प्रैक्टिकल होता है कैसे उसमें काफी सारी चीजें होती है balance sheet, पी एंड एल जर्नल एंट्रीज और वो सारी चीजें तो ये आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा विच विल बी कॉल्ड एस अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकेंड जो सब्जेक्ट है जो एफ आई बी कॉम में कंपल्सरी uh, है और काफी सारे बच्चे इस सब्जेक्ट से डरते भी है वो है मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तो मैथ्स आपके लिए सब्जेक्ट है तो ये सिर्फ एफ वाई बी कॉम में ही रहेगा एस वाई बी कॉम में ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट है दैट इज मैथ्स तो ये सब्जेक्ट काफी ईजी है आपको इसको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना है और अगर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा आ, लेकिन ये उनको दिक्कत दे सकता है उनको प्रॉब्लम दे सकता है जो लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट पहले से ऐसा लगता है कि मैथ्स इज डिफिकल्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इट विल नॉट भी डिफिकल्ट तो यह आपका सेकेंड नंबर का सब्जेक्ट है जो है एक प्रैक्टिकल uh, सब्जेक्ट फर्स्ट uh, सब्जेक्ट हमने अभी सीखा अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सेकंड आपका सब्जेक्ट है जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको हम कहेंगे मैथ्स फिर उसके अलावा बाकी के जो भी सब्जेक्ट है उसमें मैं मेजर सब्जेक्ट के बारे में पहले बताता हूँ तो मेजर सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स एफ एस वाई में मतलब सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स अभी फर्स्ट ईयर बी में भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और हर साल आपके लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहेगा तो अभी आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में आपको इसमें ओवरऑल में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स आपका थियोरी सब्जेक्ट रहेगा टेक्निकल रहेगा डायग्राम्स होंगे तो थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा तो दो सब्जेक्ट हमने पहले प्रैक्टिकल देखे तीसरा सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है काफी इंटरेस्टिंग कॉम टू कहते, कहते, कहते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर उसको कॉम वन सेकेंड सेमेस्टर उसको कॉम टू ऐसा आप याद रख सकते हैं कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट नंबर फोर पहला था अकाउंट्स दूसरा है मैथ्स तीसरा है इकोनॉमिक्स फोर्थ uh, है कॉमर्स उसके बाद एक सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल uh, सब्जेक्ट आपको काफी ज्यादा नॉलेज देगा बिकॉज ये सब्जेक्ट की वजह से आपको ये पता चलेगा कि कम्युनिकेशन कैसे होते हैं और हम कम्युनिकेशन में यहां पर डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन तो बीसी का जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का उसमें आप ये पढ़ेंगे कि एक लेटर ड्राफ्ट कैसे किया जाता है इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है है फॉर्मल लेटर कैसे लिखना ऑल पॉइंट्स विल विल बी इन दिस दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हेल्प यू टू ओवरऑल लर्न हाउ टू राइट लेटर्स फ्रॉम द ऑफ द कंपनी तो ओवरऑल आपको इसमें ये सब्जेक्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन में ये सीखने मिलेगा तो पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है अकाउंट्स का दूसरा सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का तीसरा सब्जेक्ट हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स होगा फोर्थ हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स फिफ्थ हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया फाउंडेशन कोर्स उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन सा है फाउंडेशन कोर्स दैट विल बी सब्जेक्ट ऑफ एफसी काफी सारे इसमें आप चीजों को पढ़ेंगे राइट्स, राइट्स के बारे में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे ओवरऑल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे ऑल ऑल जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने हैं काफी सारी चीजें हैं एफसी के सब्जेक्ट में विच इज कॉल्ड एस फाउंडेशन कोर्स ये आपका सिक्स नंबर का सब्जेक्ट है और आपका आखिरी और सेवेंथ नंबर नंबर का जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज ईवीएस ईवीएस का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल स्टडीज में आप सभी को पता है हम एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एटमोस्फियर लिथोसफियर वो आपने जो स्कूल डेज में थोड़ा बहुत जोग्राफी पढ़ाए वो ही सारी चीजें यहाँ पे भी है और थोड़ा एडवांस में भी है इसमें आपको मैप वगैरह भी आता है एग्जाम में तो वो आपके ओवरऑल uh, मार्क्स uh, में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो ओवरऑल ये सेवन सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर वन में भी पढ़ने हैं और यही सेवन सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर टू में भी पढ़ने हैं अगर आपने प्लेन बीकॉम लिया है तो ये सब्जेक्ट्स है अगर आप बैफ कर रहे हो तो बैफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो अलग से वीडियो में आपको बैफ के भी सब्जेक्ट पता चलेंगे एक्जैक्टली कि फर्स्ट ईयर बैफ में कौन सा सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर बैफ में कौन से सब्जेक्ट है मतलब सेमेस्टर पैटर्न वाइज उसके बारे में भी डिस्कस हम अभी करेंगे अब ध्यान से अः सुना आ, अगर एफ आई की बात करें तो एक नया कंसेप्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था कि एटीकेटी करके आता है एटी के टी एक्चुअली है क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए मतलब ऐसे कि कुछ बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो उनको एफ आई में फेल आ, नहीं किया जाता उनको डायरेक्टली एस आई में भेजा जा जाता है लेकिन एक सर्टन रूल्स के बेसिस पे और उनको जो पिछले सब्जेक्ट्स वो उनके फेल नहीं हुए हैं मतलब फेल हुए हैं पिछले सब्जेक्ट जो उनके क्लियर हुए हैं

सिमिलरली uh, semester two में भी टोटल नंबर ऑफ subjects है seven. तो ओवरऑल इस seven subjects में अगर आप कोई भी दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो फेल होने के बाद आपको एक री एग्जाम का चांस मिलता है फिर से एक एग्जाम होता है एटी के का उसी में भी आप अगर फेल हो जाते हो तो मतलब आपके पास एक चांस ऑलरेडी है अगर वो एग्जाम में भी आप फेल हो जाते हो तो अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एसवाईबीकॉम में जाने के पहले आपकी मार्कशीट में एक चीज देखी जाएगी तो ही आपको एसवाईबीकॉम में एडमिशन मिलेगा और वो होगा सेमेस्टर 1 में आपके पास सिर्फ ऑपर्चुनिटी है कि दो सब्जेक्ट में ही आप फेल होंगे तो यूनिवर्सिटी की रूल में बैठता है सिमिलरली सेमेस्टर 2 में भी आपके पास दो ही है दो केटी वहां पे चलेगा दो में फेल वहां पे चलेगा दो में फेल सेमेस्टर 1 में चलेगा मतलब ओवरऑल अगर हम दोनों को क्लब कर दे तो टोटल फोर केटी आपके लिए अलाउड है सेमिस्टर वन का दो के टी सेमेस्टर टू का दो के टी ऐसा मिला के चार के टी अगर आपके पास है मतलब आप टोटल चार सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो तो भी आप अगले साल एस वाई बी कॉम में एडमिशन ले सकते हो और एडमिशन लेने के बाद आपको पिछले साल मतलब एफ आई बी कॉम में जितने भी सब्जेक्ट्स में आप क्लियर नहीं हुए हैं उसकी एग्जाम आपको फिर से देके वो सब्जेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा लेकिन आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा लेकिन ये बातें बहुत लोग समझ नहीं पाते और रूल्स uh, में कंफ्यूज हो जाते हैं तो रूल्स आर वेरी वेरी सिंपल इफ यू हैव टू के इन सेमेस्टर वन एंड इफ यू हैव टू के इन सेमेस्टर टू तो टोटल नंबर ऑफ के आर फोर देन यूल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन सेकेंड ईयर एंड यू हैव टू क्लियर यूर फर्स्ट ईयर के टी ऑल्सो दैट इज द रूल लेकिन कुछ बच्चे क्या करते? तीन एक में, तीन में फेल हो जाते हैं में एक में फेल हो जाते हैं और बोलते हैं वहां का तीन है और यहाँ का एक ऐसा मिला के चार हो गया और चार होने के बाद बोलते हैं कि हमको अभी अगले साल एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा बिकॉज यूनिवर्सिटी का रूल कहता है सिंपल दो एक सेमिस्टर दो से ज्यादा रहेगा तो के टी में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा तो दिस इज ओवरऑल द रूल्स रिलेटेड विद योअर पार्ट ऑफ एफ आई बीकॉम जल्द से जल्द आपके कॉलेजेस स्टार्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होंगे उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आते रहेगी और ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि ओवरऑल एफ आई बी कॉम क्या है एफ आई बी कॉम में किस तरीके के सब्जेक्ट्स है एंड किस तरीके से ओवरऑल यूनिवर्सिटी के रूल्स एप्लीकेबल होंगे बिकॉज इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं या अगर आपने सीबीएसई से किया होगा तो सीबीएसई सेंट्रल के रूल्स से एप्लीकेबल होते हैं लेकिन एफ में अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड सारे कॉलेजेस है उसमें अगर एडमिशन लिए है तो आपको वो एप्लीकेबल हो जाएंगे और कुछ सिलेबस ऑटोनोमस कॉलेजेस के अलग अलग हो जाते हैं तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो आई होप कि मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर की है फ्रॉम दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो तो अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज आने वाले जो वीडियोस होंगे जो भी रिविजन होंगे वो आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय